तो हेलो गाइस, आज हम लोग ये लेक्चर सेकंड है, आई थिंक. हाँ, लेक्चर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में. आई एम सॉरी, थोड़ा सा वीडियो का जो है डिले काफी हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन नाउ आई थिंक आई एम गुड. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने ऑप्टिक्स में भी पढ़ रखा है. ठीक है, ऑप्टिक्स में पढ़ा था. और जहां भी मतलब कोई भी वेव टाइप एंटिटीज मिलती हैं तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगता ही लगता है, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं कूलम लॉ. चलो खैर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता क्या है. जैसे मान लो कई सारे चार्जेस हैं, होपफुली चार्जेस दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे कई सारे बना रहा हूँ. ठीक है, अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे क्या कहते हैं फोर्स चाहिए, तो इसके इसकी वजह से फोर्स, ये मैं अलग अलग चार्जेस को अलग अलग नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ एंड सो ऑन. ठीक है, कई सारे चार्जेस होंगे. तो इंडिविजुअली यहाँ पे मान लो एक कोई मैंने टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया, तो इस चार्ज की वजह से, ए चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. आई होप क्लियर है. बी की वजह से इसके ऊपर फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, सी की वजह से फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. डी की वजह से फोर्स जो है अब फिर से इस डायरेक्शन में होगा. और ई की वजह से जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे. अब लेकिन एक रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, वो बताता है हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर बहुत सारे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा, ठीक है, जो टोटल फोर्स होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा. ये चीज ध्यान रखनी है, एल्जेब्रिक सम नहीं है यहाँ पे, वेक्टर सम है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. तो क्वेश्चन ये रहा, आई होप क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो फोर पॉइंट चार्जेस दिख रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है. फोर पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, QB माइनस इतना, QC और QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया गया है इनको. ठीक है, चार चार्जेस को ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, BC की 10, ऐसे करके ये जो स्क्वायर बना है ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है. ठीक है, मतलब चारों साइड 10 सेंटीमीटर की है. खैर, तो आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रो कूलम. एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है जो कि मैंने जो है सेंटर पे रख दिया. कहाँ पे रख दिया? एकदम सेंटर में रख दिया है स्क्वायर के. तो तुम्हें बताना है कितना होगा. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूँ. डायग्राम कुछ ऐसा है, ये रहा मेरा पहला चार्ज, ये रहा मेरा दूसरा चार्ज, ये रहा तीसरा चार्ज और ये रहा चौथा चार्ज, और बीच में एक छोटा चार्ज है मेरे पास. ठीक है, तो अब मैं करना है, अब एक स्क्वायर पेन से बना देता हूँ. ये रहा मेरा स्क्वायर, तो इन चारों को जब मैं जोड़ दूंगा तो एक स्क्वायर टाइप का बन के रेडी होगा. ठीक है, हालांकि स्क्वायर से उतना हम लोग को लेना देना है नहीं. तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे सबकी. तो ये -5 माइक्रो कूलम है. ठीक है, ये 2 माइक्रो कूलम है, ये भी 2 माइक्रो कूलम है, और ये -5 माइक्रो कूलम है. ठीक है, और यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम है. आई होप ये क्लियर होगा, ये डायग्राम, ये क्वेश्चन क्लियर होगा. कैसे करना है अब ये बताना है. तो टोटल निकालने के लिए मैंने अभी अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि इंडिविजुअल निकाल लो और सबको वेक्टर एडिशन से ऐड कर दो. ठीक है, तो इंडिविजुअल निकालते हैं भाई. तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा पहले तो ये बताना है. तो इन दोनों के फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम लोग को कूलम्स लॉ ने क्या बताया है कि एफ, इसको मैं 0.1 बोल देता हूँ, इसको 0.2 बोल देता हूँ, इसको 0.3 बोल देता हूँ, और इसको 0.4 बोल देता हूँ. तो फर्स्ट फोर्स, क्योंकि फर्स्ट की वजह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. आई होप ये बात क्लियर होगी तुम लोग को. ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ से हमें पता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो हमें फोर्स अगर निकालना है तो ये वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू हमें पता है. ठीक है, 1/4π ε0 होती है. ठीक है, अब मुझे एक मिनट, हाँ जी, के की वैल्यू मुझे पता है 1/4π ε0 होती है, लेकिन अभी इसको रखना नहीं, के को के ही रहने दो. ठीक है, Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को मैं काम करता हूँ चेंज कर लेता हूँ, करूँ कि ना करूँ, चलो कर लेता हूँ. ठीक है, 10 की पावर -6 इनटू
Q2 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, तो 1×10⁻¹। अब R की वैल्यू क्या है, तो R होता क्या है, R जो है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है कितना, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर की है, आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और मुझे पता है अगर मैं इन दोनों डायगनल्स को जोड़ दूं, ठीक है, तो ये दोनों डायगनल्स जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, आई होप ये बात तुमको पता होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ इस डायग्राम को नीचे एकदम प्यार से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ये परपेंडिकुलर गिरा है, तो मुझे पता है ये पूरी लेंथ, ये वाली लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आई होप ये बात क्लियर होगी, है ना, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उससे जो हाइट गिरती है वो जो जहां पे गिरती है वो दो इक्वल पार्ट में इसको ब्रेक कर देती है हाइट, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही ये देखो, ये वाली जो लेंथ है ये पूरे की आधी है कि नहीं है, मतलब ये पूरे 10 सेंटीमीटर का जो साइड है हमारे पास उसका आधा है ये वाला, तो ये वाली लेंथ भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर हो गई। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं, कितनी हो जाएगी, जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता होगा, चलो मैं लगा देता हूं यार क्या फर्क पड़ता है। एबीसी, तो एबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, आई होप ये पता होगा, तो एबी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक है, इसको मैं आर बोल देता हूँ, चलो आर स्क्वायर, ठीक है, बीसी कितना है हमारे पास 5 स्क्वायर और एसी कितना है हमारे पास 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 50, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 50, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √50, ये बात क्लियर है, √50 को जो तुम सॉल्व करोगे 5√2 ही आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 50 आ गई है, ठीक है, तो ये रख दिया मैंने, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K×2×2/50×10^-12, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, K × ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 10^-12/25। एक काम करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के लिए × 4 × 4 कर देते हैं, तो K ये हो जाएगा 4K×10^-12/100, तो ये हो जाएगा 4K×10^-14। F1 मेरे पास निकल आया कितना 4K×10^-14, ये 14 है, ठीक है, चलो, तो F1 यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास फोर्स निकल आया इस डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, आई होप ये बात क्लियर है तुम लोग को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसकी वजह से, अच्छा ये बताओ जो फोर्स इसकी वजह से यहाँ पे होगा वही फोर्स इसकी वजह से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है सेम है, मतलब जो धक्का ये वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लगाएगा वही फोर्स, अच्छा ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए रिपल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एक तरीके से, तो F3 जो है, F3 मेरे पास कितना है, F3 भी होगा 4K×10^-14 N, आई होप ये बात क्लियर होगी, तो F1 और F3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, ठीक है, चलो आई होप ये बात समझ में आई होगी तुम्हें, ठीक है, तो अब मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब चाहो तो तुम एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो क्या कहते हैं क्या आंसर आना चाहिए, तो ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और हाँ अगर ट्राई किया है और ये सोचो कि फोर्स जीरो क्यों आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है, जीरो ही आना चाहिए, क्यों जीरो आना चाहिए अब ये समझो, देखो अब बिना निकाले ही वैसे हम लोग देख सकते थे, लेकिन तुम लोग को क्योंकि एक आइडिया देना था मुझे कि कैसे इसको मतलब एक्चुअल में सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये वाला करवा दिया। खैर तो देखो जो ये 2 कूलम्ब वाला चार्ज है और ये भी 2 कूलम्ब वाला चार्ज है, दोनों ही इसके ऊपर फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लगाएगा ये वाला, और ये वाला जो है इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, आई होप मेरी फिंगर्स दिख रही हैं, ऐसे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही -5 माइक्रोकूलम है, ये भी -5 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे को ये भी क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल फोर्स जो सेंटर पे आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा सेंटर वाले चार्ज पे, तो तुम लोग देख ट्राई भी कर सकते हो निकालने का, ठीक है, ओवरऑल सबको ऐड कर दो तो वो जो है कटपुटा के जीरो ही दे देंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों ने 12th में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा, सर बताएं तो मनगढ़न कह सकते हैं ना, मनगढ़न जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि रखा गया है ताकि हम लोग की जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ विजिबल नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रही है ऐसा दिखता नहीं हम लोग को, वो हम लोगों ने इमेजिनरी बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह ताकि हम लोग को जो है हम लोग का कैलकुलेशन बेसिकली आसान हो सके। तो कैसे आसान होता है ये देखते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज का, किसी भी मतलब रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, मान लो ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ये 3D बॉक्स आई होप दिख रहा होगा तुम लोग को, हाँ जी दिख रहा है, इसके अंदर मान लो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और मैं कोई चार्ज लेके जा रहा हूँ, उसका कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं कह रहा हूँ 1 कूलम का चार्ज जो इस बॉक्स के अंदर मैंने रख रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हें फोर्स बताना है, तो बहुत एकदम ऐसा चुटकियों का काम हो जाता है, फोर्स की जो वैल्यू होती है QE या फिर E के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो F/Q होगा, ये बात क्लियर है। तो फोर्स इसके अंदर कितना लगेगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, चार्ज हमारे पास कितना है 1 कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी हो इसके अंदर उस चार्ज को बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और फोर्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने ऊपर किया था इससे तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू सॉल्व करना। आई होप ये बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन बाय कूलम होती है, ऑब्वियसली E की वैल्यू, ये न्यूटन और ये कूलम, तो न्यूटन बाय कूलम इसकी यूनिट होती है। इसके जो डायमेंशन होते हैं यहाँ से तुम लोग वैसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ MLT-3A-1, ये इसके डायमेंशन होते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी तुम लोग को, ठीक है, चलो। और अब लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, क्या जानने वाले हम लोग, लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, हम लोग एज्यूम करते हैं, अच्छा जैसे ये बॉक्स में तुम लोग देख रहे होगे मैंने बना रखा है ये बॉक्स में, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यही जो लाइंस है इन्हें लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं और लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही तो एक तरीके से फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जो इस चार्ज को, जो 1 कूलम का चार्ज हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, जो इस चार्ज को जो है धक्का देगा या फिर क्या कहते हैं आगे मूव करेगा इस बॉक्स के अंदर अगर हम लोग डालेंगे तो, इसीलिए इसको हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स कह रहे हैं, ये बात क्लियर है। जहां पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ये जो लाइंस होती है उतनी ही क्लोज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे एक डायग्राम बनाऊ, ठीक है, ये डायग्राम आई होप दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है, तो बताओ इस पॉइंट पे पॉइंट ए है ये और ये पॉइंट बी है, तो मैं अगर क्वेश्चन में पूछूं कि इन दोनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट में जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर 2-3 और पॉइंट डाल देता हूं मैं, सी डी एंड ई, तुम्हें बताना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो तुम्हें देखना है ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये सबसे जो है क्लोज कहां पे, तो सबसे क्लोज ए पे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही है। वैसे ही हम लोग को अगर पूछा गया सबसे वीक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर सबसे लो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहां है, तो तुम्हें देखना है कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी तुम लोग। तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, आई होप बोर्ड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है क्लिप बोर्ड। अब हम लोग प्रॉपर्टीज कुछ देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी, मतलब ऐसा कुछ इमेजिनरी है वैसे तो, लेकिन हम लोगों ने अज्यूम किया है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किस तरफ निकलते हुए दिखाई देंगी, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज से किस तरफ निकलते हुए दिखाई देंगी, अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ जाते हुए। तो अगर तुम लोग इन दोनों चार्जेस को पास में रखो तो इससे ऐसे निकलेगा और इसमें ऐसे जाएगा, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा तुम लोग कुछ ऐसे,
ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव या एक डाइपोल को अगर साथ में रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट यानी कि अंदर घुस के खत्म हो जाती है। चलो खैर, अब जो है, अब अगर हम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक हम लोग क्या कहते हैं टैंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाए, मान लो इस पॉइंट का टैंजेंट ये है, ठीक है, अगर हम लोग टैंजेंट बना रहे तो टैंजेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में फोर्स। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो था टैंजेंट वाला वो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो, ऐसे क्रॉस नहीं करने वाली एक दूसरे को। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो अगर दो लाइंस जो है एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगी तो इस पॉइंट पे दो टैंजेंट बनने चाहिए, ठीक है। तो अगर दो टैंजेंट बने यानी कि दो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि दो एक ही पॉइंट पे दो टाइप के या दो जगह फोर्सेस मिल रहे हैं हम लोग को, ठीक है। ऐसा देखा नहीं गया एक्सपेरिमेंटली, इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई कि दो लाइंस जो है क्या नहीं हो सकती, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज लाइक स्ट्रेच इलास्टिक लाइक अ स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक, मान लो ये दो डाइपोल है, यहाँ पे दो डाइपोल तुमको दिख रहे होंगे, ठीक है, मान लो ये दो डाइपोल है, तो ये दोनों डाइपोल को अगर मैं यहाँ दूर खींचूंगा, ठीक है, इमेजिन करो ये दोनों चार्जेस को, इस डाइपोल को मैं जो है दूर खींच रहा हूँ, तो बताओ ये जो ये तीन क्या कहते हैं ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इनपे क्या फर्क पड़ेगा। ये भी एक तरीके से खींचेंगे, तो मतलब मान लो मैं यहाँ पे दूर इनको खड़ा कर देता हूँ, मतलब ये जो चार्जेस है इनको थोड़ा दूर कर देता हूँ ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो भी कुछ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, बाकी ये इधर जा रही होंगी, ये इधर से इधर। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये भी स्ट्रेच कर गई थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो भी जो है क्या कहते हैं वो होती है कैसे कह सकता हूँ, वो एक स्प्रिंग की तरह होती है, स्प्रिंग समझ सकते हैं या एक स्ट्रिंग की तरह होती है, कि खींचने पे उसका जो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ। पहले देखो एरिया इतना था इसका, इतना ज्यादा, लेकिन अभी एरिया जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया खींचने पे। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी कि स्ट्रिंग की तरह बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो हमेशा ओपन कर्व्स बनाते, क्या बनाते, ओपन कर्व। जैसे कि मान लो ये वाली फील्ड लाइन को ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये यहाँ पे जाके फिर वापस ऐसे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें कभी नहीं मिलेगी कि ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ओपन कर्व बनाती है, यानी कि इनका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, मान लो मैंने एक लोहे का ऐसा हॉलो जो है शेल ले लिया, आई होप ये दिख रहा है, हाँ हॉलो शेल मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो अब इस यहां से मैं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो बाहर से निकल जाएंगी, ठीक है, लेकिन अंदर से कभी भी ऐसे पास नहीं होंगी, क्योंकि इनसाइड इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इक्विडिस्टेंट जो लाइन होती है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिनकी बीच की डिस्टेंस जो है क्या हो, इक्वल हो, इसे कहते हैं इक्विडिस्टेंट, ठीक है। इक्विडिस्टेंट जो लाइंस होती हैं ये हमेशा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, किसे करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विडिस्टेंस अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई ऐसा डायग्राम दे दिया जाए जिनमें जो लाइंस है वो सेम डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है, तो आंख बंद करके हम लोग कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसी जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके बीच की डिस्टेंस जो है बार बार चेंज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे जो है बीच की डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे और आगे जाने पे बढ़ ली, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, चलो फिर अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ अलग अलग जो अलग अलग टाइप ऑफ चार्जेस के पास कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होती है, कैसे अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज लेने जा रहे हैं, कौन सा चार्ज,
पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये तो हम लोग खैर अभी देख चुके हैं। पॉइंट चार्ज मतलब कोई एक ऐसा बहुत ही मतलब एक ऐसा चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मान लो ये मेरा चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज है, तो इसका जो चार्ज होगा वो तो मतलब मेजरेबल होगा, लेकिन इसके जो डायमेंशन होंगे मतलब इसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो इसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट होगी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं। अच्छा, इसको अगर थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आई होप ये बात पता होगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर और क्यू नॉट डिवाइड में, और क्यू वन को मैं मान लेता हूँ क्यू नॉट, मतलब दो चार्जेस है, पहला चार्ज क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, के क्यू टू या क्यू डायरेक्ट बोल देते हैं आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में मान लो मुझे चेंज करना है ई वेक्टर, तो क्या हो जाएगा के क्यू आर कैप का मुझे मल्टीप्लाई कर देना, या तो तुम सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, या फिर थोड़ा और अगर मान लो तुम्हें सॉल्व करना है तो के क्यू आर कैप को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन सा यूज करना है, लेकिन तुम्हें बस ये छोटी सी डेरिवेशन याद रखनी कैसे आया ही, बाकी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि एक पॉइंट चार्ज नहीं है, कई सारे पॉइंट चार्जेस मैंने ले लिए, ठीक है, तब फिर मान लो किसी एक पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो बहुत सिंपल है, इंडिविजुअली सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और सबको एड कर दो, तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, जैसा कि हम लोगों ने फोर्सेस के लिए किया था कि सारे फोर्सेस निकाल लिए थे और सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया था, वैसे ही इंडिविजुअली अब हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और सबको जो है वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड कर देना, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सिंपल है, हम लोग अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, मान लो एक रॉड है, ठीक है, मान लो ये एक स्केच है, ठीक है, या फिर मेरे पास स्केल है, जस्ट अ मिनट, हाँ, मान लो ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, इस स्केल का मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मान लो पूरा जो है चार्ज फैला हुआ है, इसे हर जगह इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, तो इसके जो है अब क्योंकि इसके ऊपर हर जगह चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, तो एक किसी पॉइंट से मेजर करके तो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, कूलम्स लॉ भी यहाँ पे नहीं लग सकता, जैसा कि हम लोगों ने लिमिटेशन में देखा था, तो ऐसे चार्ज को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चार्ज जो है क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ है तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है उसे, ठीक है। चलो, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो है एक जनरल वो इक्वेशन निकाल लेते हैं, DE की वैल्यू हो जाएगी DQ by 4 pi epsilon not R square, या फिर K DQ by R square। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ by R square, है ना, तो यहाँ पे अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो DE हो जाएगा K DQ by R square, ये बात क्लियर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हम लोग ऐसा एज अ कांस्टेंट रीड कर रहे हैं, तो अगर मुझे अब ई चाहिए, ठीक है, और ये मेरा एक कॉन्टिन्यूस पूरा सिस्टम है, ठीक है, और मुझे ई चाहिए, डीई है मेरे पास, ई चाहिए, तो मैं बस इसको जो है अगर मुझे ई चाहिए तो डीई को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, अभी के लिए इंडेफिनेट रखते हैं क्योंकि फाइनल पॉइंट हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर, ये बात क्लियर है, इन जनरल ये काम करना है। लेकिन अब जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, या तो लाइन, ठीक है, या तो सरफेस, या फिर वॉल्यूम, ठीक, तो आओ समझते हैं तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन मतलब एक लाइन पे ये चार्ज जो है पूरी तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लाइन दिख रही होगी स्केल का कोना, ठीक है। सरफेस यानी कि अगर यहाँ पे सरफेस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वॉल्यूम यानी कि लेट अस अस्यूम क्या ले सकता हूं मैं,
ये डब्बा ले लिया मैंने, ठीक है। ये मैच बॉक्स दिख रहा होगा, वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर ये जो मैचेस भरी हुई है इसकी जगह मैंने चार्ज भर दिया, ठीक है। तो ये पूरे वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ है तो उसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाइन के लिए हम लोगों ने डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू बाई डी एल की वैल्यू जो है हम लोगों ने लैमडा मान ली। डी क्यू बाई डी एल की वैल्यू क्या मान ली, लैमडा, मतलब चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन लेंथ जो है लैमडा है, लैमडा एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैमडा डी एल, ये वैल्यू बस इधर सब्सटीट्यूट कर देनी तुम्हें। तो ई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डी क्यू की जगह डाल दो इक्वल्स टू के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, के और लैम्डा क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इनको बाहर ले लेता हूँ, के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एल क्या है हमारा और आर क्या है, ठीक है। हो सकता है किसी एक सर्कुलर लाइन के लिए हो, ठीक है, हो सकता है मतलब सर्कमफेरेंस के लिए हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको अभी यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी तुम लोग को। चलो फिर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। सरफेस के लिए जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो डी क्यू बाई अब की हो जाएगा डी ए, ठीक है, एरिया या सरफेस इज इक्वल्स टू ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है। हालांकि कई बुक्स में स्टैंडर्ड बुक्स तुम देखोगे तो लैम्डा सिग्मा ऐसा नहीं यूज किया जाता, सबके लिए लैम्डा यूज कर लिया जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि तुम लैम्डा को क्या मान रहे हो, लाइन के लिए तो लैम्डा जो है लाइन इंटीग्रल हो गया, लैम्डा अगर तुम सरफेस के लिए ले रहे हो तो सरफेस इंटीग्रल, बाकी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स होती है उसमें ये सिग्मा दिया रहेगा और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं क्या बचा है भाई रो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत होना। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो डी एल आई सॉरी डी ए होगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी डाल दो तो ये मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ के रो, ठीक है, और ये हो जाएगा डी ए बाय आर स्क्वायर। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी, ये किसके लिए, सरफेस के लिए। वैसे ही यहाँ पे बताओ डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा आपकी वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके लिए, रो के लिए। चलो तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो डी वी, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई रो डी वी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या कहते हैं किसी सरफेस के लिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मतलब एक ऐसा सरफेस है मान लो ये मार्कर की तरह, ठीक है, इसके यहाँ पे मान लो इसके निप एक लाइन की तरह वो एक्ट करेगा, तो लाइन भी है, ठीक है, इसके पास एक सरफेस भी है और अंदर इसको अगर ये व्हाइट वाले पार्ट को खोल के जाए तो अंदर वॉल्यूम भी है, तो तीनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग को एक जनरल चाहिए, तो इसीलिए इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाता है। तो ई जो हमारा हो जाएगा के लैम्डा और इंटीग्रल डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस के रो इंटीग्रल डी ए बाई आर स्क्वायर प्लस के रो ये सिग्मा था के रो इंटीग्रल डी वी बाई आर स्क्वायर। आई होप ये जनरल वाली इक्वेशन समझ में आई होगी, जब तीनों को मिक्स कर दिया जाता है। मान लो ये कोई सरफेस है, उसके लिए जनरल देखो, सरफेस के लिए सिर्फ ये बीच वाला पार्ट बचेगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि लाइन तो इसके पास है नहीं और वॉल्यूम भी नहीं है, इसलिए सिर्फ सिग्मा बचेगा। तो ये जनरल जो है सबके लिए काम आ जाता है, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी तुम्हें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 इतना प्लस 0.2 कूलम दिया गया और Q2 जो है 0.4 कूलम दिया गया, आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर अपार्ट ये R की वैल्यू दे दी गई, ठीक है। Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है, R दे दिया गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, यानी कि मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2 सच दैट 0.1, चलो सेकंड पार्ट को भी रहने देते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है तुम लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो होपफुली तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं एक लास्ट टाइम दिखा देता हूँ यहाँ पे, जल्दी से इसको पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। चलो मैं हटाने जा रहा हूँ, ओके। तो अब देखो क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाते हैं, ट्राई मेरे हिसाब से तुम्हें ट्राई कर लेना चाहिए, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार पॉज करके जल्दी से ट्राई कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें बस वैल्यूज डालनी। तो एक टू पॉइंट चार्जेस है तो मैं यहाँ पे टू पॉइंट चार्जेस बना दे रहा हूँ, होपफुली दिखाई दे रहे होंगे दोनों पॉइंट चार्जेस, ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.2 कूलम
और यहाँ पे प्लस 0.4 कूलम्ब, ये दो हैं हमारे पास चार्जेस, ठीक है। तो अब इसके और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस है 0.1 मीटर्स अपार्ट हैं ये लोग, ठीक। तो इसके मिड पॉइंट पे, तो पहले तो ये बताओ ये 0.1 है तो 1/10 मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा सही लग रहा है 1/10 मीटर, ठीक। तो मिड पॉइंट की दूरी कितनी होगी, 1/20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ये भी 1/20 मीटर हो जाएगा, ये बात समझ में आएगी नहीं, मिड पॉइंट के लिए बस 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। तो अब इन दोनों की वजह से अब मुझे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मैं इसकी वजह से 0.2 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालूंगा, 0.4 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालूंगा, दोनों को जो है वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे होंगे वो कर दूंगा, ठीक है। तो आओ करते हैं। तो पहले तो मुझे 0.2 की वजह से चाहिए, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 0.2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के कितना है मेरे पास, के को भी के ही रखते हैं, ठीक है। क्यू कितना है मेरे पास, 0.2। आर कितना है मेरे पास, 1/20 का होल स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, और हमेशा SI यूनिट्स में इसको रखा जाता है। तो E 0.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के 2/10 लिख ले रहा हूं मैं इसको, और ये 20 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 20 का स्क्वायर। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। के 2 2 4 हो जाएगा, और ये 100 का एक 10, तो ये 10 बचा। क्या सही किया है मैंने, आई होप सही किया है, हाँ 2 2 4, अच्छा ये 8 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80K, सही है। 400 डिवाइड किया 10 से 40, हाँ 80K, ठीक है। तो 80K आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आया, 80K आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 0.4, तो जल्दी से निकालते हैं। के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के तो के ही रखना है भाई हम लोग को, क्यू कितना रखना है 0.4, आर कितना रखना है यहाँ पे फिर से 1/20 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके जल्दी से मैं डायरेक्टली थोड़ा लिख रहा हूँ, 4/10 इंटू 20 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा के इंटू एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा, 4 4 4 4 16 160, तो ये हो जाएगा 160K। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को, ठीक है। तो 160K आ गया हमारे पास, तो 160K आ गया। तो ये बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा डायरेक्शन में तुम लोग को बताना भूल गया, तो डायरेक्शन देख लो, नहीं वैसे बताया है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है बाहर की तरफ निकलती है ना, नेगेटिव चार्ज में जो है अंदर की तरफ जाती है। तो वैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ रहेगा, मतलब इस चार्ज से बाहर की तरफ, तो इस साइड रहेगा राइट हैंड साइड। वैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस साइड रहेगा। तो बताओ ये दोनों जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ये 180 डिग्री पे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो नेट ई नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 160K माइनस 80K, तो ये कितना हो जाएगा 80K। अब यहाँ पे K की वैल्यू डाल दो, 9 × 10⁻⁹, सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो तो अब जो है इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट का बस मैं हिंट देने वाला हूँ तुम लोग को। अब पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, अब पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, चलो मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पे सही सही। ये रहा हमारा क्या कहते हैं फ्रेश पेज, ये रहा हमारा Q1 और Q2, होपफुली दिख रहे होंगे दोनों चार्जेस। ये दोनों चार्जेस क्वेश्चन अब हम लोग को कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, इसको इस लाइन को जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है वो लाइन ज्वाइन कर दो भाई, ठीक है। सच दैट 0.05 अवे 0.5 अवे फ्रॉम Q2 और 0.15 अवे फ्रॉम Q1, यानी कि एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं वो ये पॉइंट है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जो Q1 से 0.15 मीटर अवे है और Q2 से 0.05 मीटर अवे है। तो अब इसमें भी कुछ नहीं बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो पहले Q1 की वजह से निकालो, R की वैल्यू सिंपल दे ही दी गई है तुम्हें, ठीक है। फिर Q2 की वजह से निकालो, चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से R की वैल्यू यहाँ फिर से दे दी गई है। दोनों देखो आपकी दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो दोनों अल्टीमेटली एड हो जाएंगे। इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अवे रहेगी,
इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड, इस चार्ज की वजह से भी राइट हैंड साइड में रहेगी, इसलिए जो है दोनों एड अप हो जाएंगे। अच्छा, पिछले वाले में एड अप क्यों नहीं हुए थे ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये बीच में था तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, इसलिए एड अप नहीं हुआ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा है थोड़ा सा, यहां पे एक राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड में जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड में जाएगा, इसलिए दोनों जो है क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली एड हो जाएंगे। तुम्हें बस सिंपली एड कर देना है सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो जाएगा तुमसे, तो अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है ट्राई करो प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। ये नाइन्थ क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर से जरूर करना, ठीक है। मैं बस एक तुम्हें हिंट दे सकता हूँ, ये वाली हिंट, ठीक है। फोर्स जो है क्यू ई के बराबर होता है, और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो तुम्हें वो लगाना है यहाँ पे, तो एक बार ट्राई करना जरूर से जरूर, ठीक। एक और देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, टू चार्ज पार्टिकल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, वेरी गुड, ठीक। इसका आंसर 8:1 है, ठीक है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और ये तीन क्वेश्चन करके मुझे तुम लोग ग्रुप में सेंड कर दो, टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है पाई, जो चैनल का नाम है वही नाम है बेसिकली, बाइसिकल क्लासेस। तुम लोग अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर जो नहीं जुड़ा है वो इस पे भेज सकता है मुझे, ठीक है। तो इस पे भेज देना और पढ़ाई करते रहो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूजेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होती है, और न्यूमेरिकल उनके कैसे निपटाने, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं कल। और लेक्चर्स जो है, हाँ एक लास्ट में इन्फो दे दूं, लेक्चर्स जो है 6 बजे से पहले तुम लोग को कोई ना कोई मिल जाया करेगा, ठीक है। तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी, तुम लोग बस पढ़ते रहो, तुम लोग को हर रोज एक लेक्चर मिलता रहेगा। चलो बाय बाय।